आपका चैप्टर वही रहेगा ओपन आ बुक। ओपन आ बुक का मतलब क्या हुआ? ओपन आ बुक, पुस्तक खोलो या किताब खोलो। इस चैप्टर का नाम है ओपन आ बुक। क्लास फोर्थ है ना? क्लास फोर्थ, क्लास फोर्थ। और चैप्टर नंबर कौन सा है? लेसन नंबर 9 है। ओपन आ बुक, पुस्तक खोलो। इसकी लाइन मैं लिख रहा हूं, पहली लाइन है वही चैप्टर का नाम ओपन, ओपन आ बुक। ओपन मतलब आप लोग बगल से, हम इसका वर्ड नहीं लिख रहे हैं, इसको अपने बुक में कॉपी में लिख लीजिएगा, आपकी जो नोटबुक है। ओपन मतलब क्या होता है? खोलना। ओपन मतलब खोलना। और बुक मीन्स होता है, बुक मीन्स किताब, बुक मीन्स पुस्तक या किताब, पुस्तक लिख लीजिए। तो ओपन अ बुक मतलब पुस्तक खोलो, किताब खोलो। सेकंड लाइन है एंड यू विल फाइंड, एंड यू विल, यू विल फाइंड, एफ आई एन डी। एंड मीन्स क्या होता है? और। एंड मीन्स और। बगल में आप लोग जो मैं वर्ड लिख रहा हूं लिखिए, किताब की लाइनों को देखते रहिए, सब लोग किताब अपनी खोले रहिए, किताब की लाइन जो मैं यहां लिख रहा हूं उसको किताब से देखते रहिए, बगल से वर्ड नहीं नोट करते रहिए। एंड मतलब होता है और, एंड मतलब और, ठीक है ना। फिर है यू विल फाइंड, यू मतलब क्या होता है? तुम, यू मीन्स तुम। इसको आप एक बार आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी वर्ड मीनिंग बगल में लिखते रहिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड मतलब और यू मतलब तुम। एंड यू विल फाइंड, विल जो है आपको बताया गया था, विल आवर सेल्फ, जब कोई काम होने वाला होता है भविष्य में, फ्यूचर में, तो हम विल आवर सेल्फ का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? यू विल फाइंड, विल यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि बच्चों बात नहीं, कोई आवाज नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर बोलोगे तो ठीक नहीं है। एंड यू विल फाइंड, तो कह रहा है पोएट हमारा, कह रहा है कि किताब खोलिए, पुस्तक खोलिए, जब आप पुस्तक खोलोगे तो देन यू विल फाइंड, लिखा है एंड यू विल फाइंड। फाइंड मतलब होता है पाना, फाइंड मतलब पाना, लेकिन विल फाइंड लिखा हुआ है, इसका मतलब पाओगे, अभी नहीं पाया हो ना, विल फाइंड मतलब होता है पाओगे। विल फाइंड का मतलब क्या हुआ? पाओगे। विल लिखो यहाँ पे पहले, फिर लिखो फाइंड, एफ आई एन डी। फाइंड मतलब होता है पाना, तो विल फाइंड मतलब क्या हो गया? पाओगे, ठीक है ना, पाओगे। बात हमें आ गई, ओपन अ बुक एंड यू विल फाइंड, किताब खोलिए। हमारा पोएट जो है, जो कवि है, कविता तो है ना, ये पोएम है, पोएम को लिखने वाले को क्या बोलते हैं? पोएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोएट बोलते हैं। पोएम का मतलब ये होता है कविता, पी ओ ई एम, पोएम। पोएम मीन्स कविता, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? कविता। और अंग्रेजी में पोएम कहते हैं, पोएम मतलब कविता। और जो इसको लिखता है, कंपोज करता है, उसे क्या बोलते हैं? पोएट। क्या बोलते हैं? पी ओ ई टी, पोएट, ठीक है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कवि। क्या कहते हैं बेटा? कवि। कवि क्या लिखते हैं? कविता। पोएट क्या लिखते हैं? पोएम। दोनों एक ही चीजें हैं। इंग्लिश में पोएम, पोएम को हिंदी में कविता कहते हैं, अंग्रेजी में पोएट को हिंदी में कवि कहते हैं, समझ गए ना आप लोग। तो हमारा कवि क्या कह रहा है? ओपन आ बुक, ठीक है, पहली लाइन किताब खोलो, दूसरा कह रहा है एंड यू विल फाइंड, और आप पाओगे। क्या पाओगे? अब जो पाओगे आगे अगली लाइन में है, प्यूपिल। प्यूपिल मतलब क्या होता है? हाँ, लोग, लोग, वेरी गुड। प्यूपिल, पीई ओ पी एल ई, प्यूपिल मतलब होता है लोग। एंड प्लेसेस, एंड प्लेसेस मतलब होता है स्थान।
प्लेसेस मतलब स्थान, प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड, आप एवरी काइंड, ठीक है। एवरी काइंड मतलब क्या होता है, प्रत्येक तरह के, एवरी काइंड, ये दोनों एक ही लाइन है। प्यूपिल क्या पाओगे किताब खोलोगे तो, प्यूपिल एंड प्लेसेस, लोग और स्थान। प्यूपिल का मतलब मैं लिख रहा हूं, यहां आप लोग लिखिए, प्यूपिल मतलब होता है लोग, पीई ओ पी एल ई, फिर मतलब होता है लोग, क्या होता है लोग, और फिर प्लेसेस लिखा है पी एल ए पीई एस, इसका मतलब होता है स्थान। बहुत सारे स्थान हो गए ना, स्थानों को आप पाओगे, प्लेसेस लिखा है, प्लेस मतलब होता है एक स्थान, यस लगा दिया गया तो बहुवचन हो गया, तो यहाँ कर दीजिए स्थानों, कौन से, बहुत सारे स्थान पाओगे ना। प्यूपिल एंड, एंड मतलब होता है और, एंड मतलब और, प्लेसेस मतलब स्थानों को पाओगे। आप लिखा है आप एवरी काइंड, एवरी काइंड मतलब क्या होता है, एवरी मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, प्रत्येक तरह के, और यहां पर इब्री प्लेसेस इब्री काइंड लिखा है के आई एन डी, काइंड है ना, काइंड मतलब क्या होता है तरह, हर तरह के, प्रत्येक तरह के स्थान को आप देखोगे, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, एक बार मैं दोहरा रहा हूं, ओपन अ बुक एंड यू विल फाइंड, ओपन अ बुक किताब खोलिए, एंड यू विल फाइंड और आप पाओगे, क्या पाओगे, प्यूपिल एंड प्लेसेस, लोग और स्थान, आप एवरी काइंड, हर तरह के, क्या पाओगे, हर तरह के लोग और स्थानों को आप देखोगे। किताब जब खोलेंगे आप तो किताब को पढ़ोगे तो कुछ लोगों के बारे में रहेगा ना, तो उनके बारे में जान जाओगे, कुछ स्थान के बारे में रहेगा उसको भी जानोगे, बहुत सारे स्थान और लोगों के बारे में आप जान जाओगे। किताब पढ़ने का फायदा आपको पोएट बता रहे हैं। अगली लाइन को हम लिखने जा रहे हैं, ये बगल की जो वर्ड मीनिंग हमने लिख दिया है इसको आप लोग जल्दी से लिख लिया कीजिए ताकि अगले के लिए भी आपको जगह मिल जाए। अगली लाइनें हम लिखने जा रहे हैं, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, अभी मैं आपको पूरी पोएम अच्छे से पढ़ा देता हूं, बस समझते रहिए आप लोग। अगली लाइन है बेटा, फिर से कह रहा हूं कभी फिर से, अगला फायदा क्या है, ओपन अ बुक, नया स्टैंजा, ये नया स्टैंजा शुरू हो गया है, ओपन ओ पी ई एन, ओपन अ बुक, ओपन अ बुक, ओपन मतलब क्या होता है, खोलिए, आ बुक मतलब किताब, किताब को खोलिए, फिर से खोलिए, कुछ नहीं बदल रहेगा। एंड यू कैन बी, यू कैन बी, कितना फायदा किताब का है, किताब को खोलने से यू कैन बी, कह रहा है यू कैन बी, ओपन अ बुक एंड यू कैन बी, एंड यू कैन बी, ओपन अ बुक एंड यू कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, एनीथिंग ए एन वाई टी एच आई एन जी, एनीथिंग दैट यू, दैट यू वांट टू बी, दैट यू वांट टू बी। देखिए बच्चों, पोएट कह रहा है कि बच्चों किताब खोलिए, वो आपके लिए कह रहा है ओपन अ बुक, उत्तर खोलिए, उसको खोलने से क्या हो जाएगा, लिखा है ध्यान से सुनो बच्चों, बात नहीं क्यों बोलते, एंड यू कैन बी, ओपन अ बुक एंड यू कैन बी एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। कभी कह रहा है कि किताब खोलिए, किताब खोलिए, एंड यू
कैन बी, और उससे क्या होगा, आप जो भी होना चाहते हो वो हो जाओगे। कह रहा है कि एंड यू कैन बी, यू कैन बी, आप कुछ भी हो सकते हो, यू कैन बी, आप कुछ भी बन सकते हो, एनीथिंग, जो भी, मतलब कुछ भी, इसका मतलब क्या होता है, कुछ भी, दैट यू, जो जो तुम वांट टू बी, बनना चाहते हो। किताब खोलोगे, देखिए, ओपन अ बुक एंड यू कैन बी, कैन मतलब होता है सकना, कैन मीन्स सकना, कुछ भी कर सकने की क्षमता आपके अंदर है, तो कैन अगर लगा है तो आप कर सकते हो, कैन मतलब सकना, यू कैन बी, देखो कैन बी मतलब होता है बन सकते हो, बी मतलब हो सकते हो, कैन बी मतलब हो सकते हो, बी मतलब होना होता है, ठीक है, जो होना होगा आपको, होना चाहते हो वो आप हो सकते हो, यू कैन बी, एंड एनीथिंग दैट यू, एनीथिंग मतलब क्या होता है, एनीथिंग, एनीथिंग, पी एच आई एन जी, इसका मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी, कुछ भी, एनीथिंग कैन मतलब होता है सकना, और एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। वांट मतलब होता है चाइना, वांट मतलब चाइना, डब्ल्यू ए एन टी, वांट मतलब चाइना, वांट मतलब चाइना, वांट मतलब चाइना, एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, मतलब जो भी आप होना चाहते हो वो हो सकते हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी होना चाहते हो वो क्या है, हो सकते हो। देखो वैसे मैं दोहरा रहा हूं, ओपन अ बुक, ओपन अ बुक एंड यू कैन बी, अपनी किताबें खोलिए और उससे आप जो कुछ बनना चाहते हो, यू कैन बी, जो भी बनना चाहते हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, जो भी आप होना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो वो बन सकते हो, ठीक है। ओपन अ बुक, पुस्तक खोलो, एंड यू कैन बी, आप हो सकते हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप होना चाहते हो वो हो सकते हो, ठीक है ना। देखिए इसके बाद जो स्टांजा है वो मैं नया लिखा रहा हूं आपको, ओपन अ बुक, थोड़ा सा और भी है, ओपन अ बुक, ओपन अ बुक, किताब खोलो, कौन कह रहा है इतना बाप, ओपन अ बुक मतलब किताब खोलो, फिर से कह रहा है हमारा कवि, पोएट कह रहा है कि ओपन अ बुक, पुस्तक खोलो, उससे क्या होगा आगे, एंड यू कैन सीयर, अब क्या दूसरा फायदा किताब का है वो बता रहा है, यू कैन सीयर, यू मतलब आप लोगों से कहा जा रहा है, यू कैन में मैंने बताया था सकना, और सीयर मतलब क्या होता है, यस सी एच ए आर ई, सीयर, सीयर मतलब क्या होता है, यहां मैं लिख रहा हूं सीयर, यस सी एच ए आर ई, सीयर मतलब क्या होता है, बांटना, सीयर मतलब होता है बांटना, सीयर मतलब बांटना, किसी चीज को कई लोगों में बांटने को क्या बोलते हैं, सीयर कहते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे मोबाइल में कहते हैं इसको शेयर करो, मतलब होता है कि हमारी बात को और लोगों में बांटो और लोगों से इसका फायदा मिले। तो अगर आप किताब खोलोगे तो यू कैन शेयर, यू कैन शेयर, क्या शेयर करोगे, जैसे मैं आपको अपने नॉलेज को शेयर कर रहा हूं ना, जो मुझे पता है आप लोगों को बता रहा हूं ना, तो ये कैसे कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी किताब को खोला था, मैंने आज के पहले भी किताब को बहुत बार खोला था, और हमारे गुरुजनों ने और इस किताब ने हमें ज्ञान दिया था, तभी तो आपको हम दे पा रहे हैं। तो आप भी किताब खोलोगे तो आपके गुरुजन और आपकी किताब दोनों जो होते हैं सबसे बड़े मित्र होते हैं। किसी विद्यार्थी का सबसे बड़ा मित्र होता है उसका अध्यापक, उसका गुरु और उसकी किताब, दोनों चीजें अगर है तो और चीजें मिल जाएंगी ना। तो आपकी ये किताब जो है सच्ची फ्रेंड है, अगर दोस्ती करना है तो उस किताब से कर लो। कभी यही कह रहा है बार बार कि अगर आपको दोस्ती करना है किससे तो अपनी किताब से कर लीजिए,
किताब खोलोगे तो क्या क्या मिलेगा? दो बातें मैंने पहले बता दी आपको, तीसरी बात बता रहा हूँ कि ओपन अ बुक, किताब खोलो, उससे क्या होगा? यू कैन सी, आप देने लायक बन जाओगे, आप किसी को कुछ देने लायक बन जाओगे। क्या दोगे बेटा? वंडरस वर्ड यू फाइंड इन दिया, वंडरस लिखा है, लिखा है वंडरस, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर, वंडर मतलब होता है आश्चर्य, वंडरस, फिर ओ यू एस जोड़ दो इसमें, वंडरस, वंडरस वर्ड्स यू फाइंड दिया, वंडरस वर्ड्स, डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स यू फाइंड इन दिया, यू फाइंड इन, क्या लिखा है फिर? डियर, क्या लिखा है? डियर, पी एच ई आर ई, डियर। आप क्या क्या शेयर करोगे बेटा? यू कैन शेयर, हमने कहा शेयर मतलब बांटना, किसी को देना, क्या बांटोगे? वांडरस मतलब क्या होता है? वांडरस, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर ओ यू एस, वांडरस, डब्ल्यू ओ, आप लोग लिख रहे हो, वांडर वाला होता है आश्चर्य, तो वांडर मतलब क्या हो जाएगा? आश्चर्य देने वाला, यानी आश्चर्यजनक, क्या होगा? आश्चर्यजनक, आश्चर्य जिससे आपको आश्चर्यजनक, किताब खोलने पर आपको कुछ जानकारियां ऐसी होती है जो आपको बहुत ही आश्चर्य लगती है, लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये हो सकता है, ऐसे ऐसे ज्ञान आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे नॉलेज आपको मिलेंगे जिससे आपको आश्चर्य लगेगा। तो वांडरस, डब्ल्यू एन डी ई आर ओ यू एस, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक नॉलेज आपको होगा, ज्ञान होगा, वर्ड लिखा है वांडरस वर्ड, ऐसे वर्ड होते हैं कई कई जिनसे आपको आश्चर्य लग जाएगा, वर्ड्स मतलब क्या होता है? वर्ड्स, वर्ड्स होते हो क्या मतलब होता है? वर्ड्स नहीं बेटा, और कोई होता है? शब्द कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। नए नए शब्द आप सीखोगे नहीं सीखोगे किताब में? ये सब क्या है? ये सब वर्ड्स हैं, ये वर्ड अलग अलग हैं जिसे मिलकर पूरा सेंटेंस बनता है, एक लाइन जब बनती है तो कई वर्ड जुड़ते हैं, ठीक है? वंडरस वर्ड्स एंड हाँ, यू फाइंड इन देयर, यू फाइंड मतलब आप क्या करोगे? पता लगा लोगे, पा जाओगे, फाइंड मतलब होता है पाना, फाइंड मतलब क्या होता है? एफ आई एन डी, फाइंड मतलब पाना, फाइंड मतलब पाना, तो फाइंड इन देयर, इन देयर मतलब किताब के अंदर, देयर मतलब वहां, देयर मतलब क्या होता है? टी एच ई आर ई, देयर मतलब क्या होता है? वहां। एक बार मैं किसी चैनल को रिपीट कर रहा हूं, ओपन अ बुक, किताब खोलो, यू कैन फियर, आप फियर करोगे, आप दूसरों को भी देने के लायक हो जाओगे, बांटोगे, क्या बांटोगे? वंडरस वर्ड, आश्चर्यजनक शब्द, यू फाइंड इन देयर, जो आप उस किताब में पाओगे, किताब के अंदर आपको अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे, अच्छे अच्छे ज्ञान मिलेंगे, और उस ज्ञान को, उन शब्दों को आप दूसरों को भी बांटोगे, ठीक है ना? एक लास्ट साझा बचा हुआ बच्चों, सुनो ध्यान से, इसके बाद में हम लोग इसको रिपीट कर देंगे, एक बार फिर से आपके सामने आ जाएगा। इससे है ओपन अ बुक, ओपन अ बुक, ओपन अ बुक एंड आई विल डू, अब कह रहा है कभी कि किताबें आप भी खोलिए और मैं भी, ओपन अ बुक, कौन खोले? एंड आई विल डू, आपसे तो कह रहा है हर बार, इसके पहले भी वो कभी आपसे तीन बार कह चुका है, किताब को खोलो, किताब को खोलो, किताब को खोलने का फायदा भी उसने आपको बार बार बताया कि नहीं बताया कि किताब खोलोगे तो ये पाओगे वो पाओगे, अब वो कह रहा है कि ओपन अ बुक, ओपन अ बुक, फिर से आपसे कह रहा है कि किताब को खोलिए, एंड यू, हाँ, एंड आई विल डू, और मैं भी, आई विल डू मतलब क्या होता है?
मैं भी बोलूंगा आई विल। यहाँ टू लिखा है, टी डबल वो टू होता है, इसका मतलब होता है भी। इसका मतलब क्या होता है? कहता है कि ओपन अ बुक, आप किताब खोलिए, एंड आई विल, एंड आई विल टू, एंड मतलब होता है और, जानते हो ना, एंड मतलब होता है और। एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, एंड मतलब और आई का मतलब क्या होता है बच्चों? मैं। वेरी गुड, आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब मैं। वो कह रहा है कि एंड आई मैं विल टू, टू मतलब क्या होता है? टी डबल ओ टू लिखा है, टी डबल ओ टू का क्या मतलब है? टी डबल ओ टू का मतलब होता है भी, क्या मतलब होता है? भी। ऐसे आप लिखिए टी डबल ओ टू, इसका मतलब भी। मैं भी खोलूंगा किताब, अभी तक वो आपसे कह रहा था, इस बात का भी स्वयं कह रहा है कि किताब आप लोग खोलिए, और आई विल टू, मैं भी खोलूंगा। विल मतलब क्या होता है? जो काम भविष्य में होता है उसके लिए दिल लगता है। तो कभी कह रहा है कि आप खोलोगे तो किताब मैं भी खोलूंगा, आप भी किताब खोलिए और मैं भी किताब खोलूंगा, ठीक है ना? उससे क्या होगा, आगे फिर लिखता है यू रीड टू मी एंड आई विल रीड टू यू। वो कहता है कि यू रीड टू मी, यू रीड टू मी, आप मुझे पढ़िए। यू मतलब तुम, आप रीड मतलब पढ़िए, टू मी यहाँ पर यू का मतलब समझते हो, बताया गया पहले आपको, फिर मैं बता रहा हूँ। यू मतलब होता है तुम या आप, यू मतलब तुम या आप, तुम या आप चाहे जो कह लो, तुम या आप। फिर है रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब क्या होता है? देखो मैं लिख रहा हूँ आर ई ए डी, रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना। और यू रीड टू मी, टू मी मतलब मुझे, टू मी मतलब मुझे, मी मतलब होता है मुझे, और टू लगा दिया गया साथ में, इसके एक आर्टिकल है। यू रीड टू मी, आप क्या करोगे, पढ़ोगे मुझे और मैं आपको पढ़ूंगा। यू रीड टू मी, टू मी मतलब मुझे, टू मी मतलब मुझे, आप मुझको पढ़िए, आई विल रीड टू एंड आई विल टू, आप किताब खोलिए मैं किताब खोलूंगा। यू रीड टू मी, आप मुझे पढ़िए, और एक लास्ट लाइन है एंड आई विल रीड टू यू, एंड आई विल रीड टू यू। कभी कह रहा है आई, एंड आई विल रीड आर ई ए डी रीड, I will read to you. समझ रहे हैं ना आपको? एंड मतलब होता है और, आई विल मैं क्या करूंगा, रीड करूंगा, रीड मतलब पढ़ना, मैं पढ़ूंगा, किसको पढ़ूंगा, टू यू, मैं आपको पढ़ूंगा, ठीक है ना? एक बार मैं पूरा इतना दोहरा देता हूँ, दोहरा बता दो जाएंगे, सुनिएगा ध्यान से। पहला है कि ओपन अ बुक, किताब खोलिए, एंड यू विल फाइंड, और आप पाओगे, क्या पाओगे? प्यूपिल एंड प्लेसेस, आप इतनी काइंड, लोग प्यूपिल होता है लोग, एंड प्लेसेस स्थान, हर तरह के स्थान को आप किताब में पाओगे। अगर आपने किताब खोला, किताब की पढ़ाई की, तो प्यारे बच्चों हर तरह के प्यूपिल और प्लेसेस आपको मिलेंगे, ठीक है ना? फिर कह रहा है अगले खाने में, ओपन अ बुक एंड यू कैन बी, किताब खोलिए और आप बनोगे, आप हो जाओगे, क्या बनोगे? एनीथिंग दैट यू वांट टू बी, जो भी आप बनना चाहोगे वो आप बन जाओगे। फिर है ओपन अ बुक तीसरी लाइन, एंड यू कैन शेयर, आप शेयर कर दोगे, आप बांटोगे, क्या बांटोगे? वंडरस वर्ड यू फाइंड इन देयर, आश्चर्यजनक शब्द जो आप किताबों में पाओगे। फिर कह रहा है ओपन अ बुक, किताब खोलिए, एंड यू विल टू, किताब खोलिए एंड यू विल टू, ठीक है, और आप यू विल टू, सॉरी आई विल टू, ओपन अ बुक, किताब खोलिए एंड आई विल टू, और मैं भी खोलू, किताब आप भी खोलिए और किताब मैं भी खोलू। यू रीड टू मी एंड आई विल रीड टू यू, आप मुझको पढ़ोगे और मैं
आपको पढ़ूंगा। इस तरह से कवि ने कितने अच्छे ढंग से किताब पढ़ने का फायदा आपको बताया। आपको इस पोएम को बार बार पढ़ना है, कठिन वर्ड मैंने लिख दिया है, आपने भी लिखा होगा, उसको भी आप बार बार कॉपी में लिख दोगे, बार बार उसको पढ़ोगे, आपको कठिन वर्ड याद हो जाएगा, लघु वर्ड मैंने लिख दिया है, बार बार चर्चा को पढ़ोगे, पोएम अच्छे से पढ़ लोगे, तब एक एक करके यहाँ पर साथ में पढ़ाओगे। ओके।